बात करें अंबिकापुर में एक निजी स्कूल की मनमानी से कई छात्र परीक्षा नहीं दे पाए। दरअसल फीस भरने में थोड़ी देरी करने की वजह से प्राइमरी क्लास के 12 से 15 बच्चों को परीक्षा में बैठने ही नहीं दिया गया। जब इस बात का पता बच्चों के परिजनों को चला तो उन्होंने स्कूल में हंगामा कर दिया। परिजन इस पूरे मामले में शिक्षा मंत्री से शिकायत किए जाने की बात कर रहे हैं। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि अगर कोई पेरेंट से शिकायत करता है तो कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले हमने आपको खबर बताई कि सरकारी स्कूल में किस तरह से शिक्षिका के द्वारा पैर दबवाए जा रहे थे पढ़ाने की जगह, और उसका खामियाजा यह है कि तवज्जो नहीं मिलता, वेटेज नहीं मिलता, जिसकी वजह से ये सरकारी स्कूल जो प्राइवेट स्कूल हैं वो अपने मनमानी करते हैं। नतीजा देखिए। इंस्टॉलमेंट बाकी था, सवेरे हम लोग 10 बजे आके मिले कि मैडम बैंक खुल जाएगा, 11 बजे तक हम लोग फीस पटा देंगे, और इन लोग बोले ठीक है आप पटा दीजिए, और यहाँ अभी पता चल रहा है कि बच्चों को परीक्षा देने नहीं दिया जा रहा है। फीस बाद में देते रहेंगे लेकिन बच्चे पहले परीक्षा में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, मैं इसके जो है ना जानकारी लूंगा और उनको निर्देश दूंगा, परीक्षा बैठाएंगे बच्चों को, एक्स्ट्रा परीक्षा उनकी ली जाएगी। राम कुमार यादव जुड़ गए हैं संवाददाता हमारे साथ इस वक्त अंबिकापुर से। राम कुमार, यहाँ पे आला अधिकारी कह रहे हैं कि बच्चों को परीक्षा उनकी दिलवाई जाना पहली प्राथमिकता है, क्या स्कूल प्रबंधन ने ऐसा किया? क्योंकि यहाँ पे पूरी लापरवाही देखी गई है जो स्कूल प्रबंधन है उसकी। जो परिजन है उनका कहना है कि उनके द्वारा जो है फीस देने की बात हो चुकी थी वहाँ के स्कूल प्रबंधन से, उसके बावजूद भी जो 10-15 बच्चे हैं उनको परीक्षा देने से वंचित किया गया, जिस पर जो है कि परिजन वहां पहुंच करके पूरे स्कूल प्रबंधन में हंगामा मचाया। उसके बाद जो है मीडिया को बुलाया गया है, जिसके बाद से जो स्कूल प्रबंधन है वो अपना पल्ला झाड़ता नजर आया है। क्या कह रहे हैं प्रिंसिपल स्कूल प्रबंधन, और क्या कुछ कह रहा है, क्या दलील वहां से सामने आई है, और अभी तक जिस तरह से आला अधिकारी कह रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी, क्या एक्शन लिया गया? जी बता दो आपको, स्कूल प्रबंधन यहाँ पे पूरे इस मामले से बचता नजर आ रहा है, बात करने के लिए वो सामने नहीं आए। उनके जो स्टाफ है उनके द्वारा ये कहा गया कि हम पुनः जो है पेपर में उनको बैठाएंगे, पूरा पुनः उनका परीक्षा कराएंगे, लेकिन देखने वाली बात ये है कि जो मासूम बच्चे हैं जो एक दिन पहले जो परीक्षा होना था उसको दूसरे दिन दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं पूरे प्रबंधन की जो है लापरवाही देखने। बिल्कुल बड़ी लापरवाही है। इस पूरे मामले में आला अधिकारी ने क्या कुछ कहा था एक बार अपने दर्शकों को फिर से सुनवा देते हैं। इंस्टॉलमेंट बाकी था, सवेरे हम लोग 10 बजे आके मिले कि मैडम बैंक खुल जाएगा, 11 बजे तक हम लोग फीस पटा देंगे, और इन लोग बोले ठीक है आप पटा दीजिए, और यहाँ अभी पता चल रहा है कि बच्चों को परीक्षा देने नहीं दिया जा रहा है। फीस बाद में देते रहेंगे लेकिन बच्चे पहले परीक्षा में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, मैं इसके जो है ना जानकारी लूंगा और उनको निर्देश दूंगा, परीक्षा बैठाएंगे बच्चों को, एक्स्ट्रा परीक्षा उनकी ली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की सख्त गाइडलाइन है कि फीस नहीं जमा होने पर आप किसी भी बच्चे को परीक्षा देने से वंचित नहीं कर सकते, और यहाँ पे आला अधिकारी कह रहे हैं कि फीस बाद में दी जाएगी, लेकिन स्कूल में जो परीक्षाएं फाइनल एग्जाम चल रहे हैं वो पेपर देने दिए जाएं, अलग से अब इनके पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब पेरेंट्स से बात हो चुकी थी, 10 बजे तक का वक्त दिया गया था, तो फिर बच्चों को परीक्षा देने से क्यों रोका गया? लगातार स्वराज एक्सप्रेस इस बड़ी खबर पर और इस बड़ी मुहिम में जुड़ा हुआ है कि आखिर क्यों इस तरह की जो अवैध चीजें हैं, जिस तरह से जो प्राइवेट स्कूल की मनमानी है वो आखिर कब तक चलेगी, क्यों सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का, और क्यों राज्य सरकार द्वारा शिक्षा विभाग के द्वारा जो गाइडलाइन बनाई जाती है उनका पालन इन सर जो निजी स्कूल हैं उनके प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से आखिर क्यों नहीं होता? सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? तो हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, लगता है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंची। बहरहाल अब तक की उनकी जानकारी के लिए उनका बहुत शुक्रिया। डिंडोरी जिले के अमरपुर